आज तो करुणा को मैडम सर के पास लेकर ही जाएंगे। दीदी, दीदी दरवाजा खोलो। कौन? बाहर देखो कौन आया, वो बुला रही है आपको। ए रुक, बैठ। याद है ना शिवानी ताई ने क्या कहा था, जब तक वो नहीं बोलेगी हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, ठीक है? शिवानी दीदी बुला रही है सबको, दरवाजा खोलो, खोलो इसको। ए दरवाजा खोल। We'll be right back.
रहे हैं, अब यू कहाँ गई? शिवानी, शिवानी वहां तो कोई भी नहीं है। करुणा कहाँ पर है? वो अचानक दरवाजा खुला और किसी ने हम पर हमला कर दिया और हमें बेहोश कर दिया। शायद उसी ने करुणा को गायब किया, हमें नहीं पता था। ऐसे कैसे हो गया? चलो चलो, इसको अंदर डालो। इसको ये क्या हो गया आपको? वो सब बाद में पुष्पा जी, पहले इसको अंदर डालिए। हाँ, चलो अंदर। अरे चलो, मैडम यही है जिसने आपको अगवा किया था और आपको फ्रीजर में बंद कर दिया था, और इसने ये सब किया था शिवानी की नजरों में आने के लिए। इतना काफी है कि और भी कुछ करना होगा हमें ये प्रमाणित करने के लिए कि हम हमेशा से सिर्फ आपकी तरफ थे, आपकी तरफ है और आपकी तरफ ही रहेंगे। चीता, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। नहीं चीते, रुको, नहीं। अरे क्या, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर के पास चलिए, कितना गहरा घाव लग रहा है वो, चलिए। शायद ये जो घाव है ये इस बात का गवाही है कि हम मैडम सर की तरफ है। शायद यही मैडम सर को यकीन दिलाएगा कि हम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम गद्दार कभी नहीं हो सकते। देखिए, हम मानते हैं, हमें आप पर कभी शक करना ही नहीं चाहिए था, ये हमारी गलती है। आप जैसी वफादार पुलिस ऑफिसर से हम आज तक कभी नहीं मिले। हम आपको सच में बहुत मानते हैं, आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए, बैठिए, हमें पट्टी लगाने दीजिए प्लीज। बैठिए। नहीं, हम ठीक है। करिश्मा सिंह, बैठिए बैठिए, चुपचाप आपको जो मुंह फुलाना है, जो गुस्सा करना है, जो कुछ भी कहना है पट्टी करने के बाद कर लीजिएगा, लेकिन तब तक कोई ड्रामा नहीं करेंगे आप। आपको बुरा लगता है ना जब हमें चोट लगती है तो? आपको तकलीफ होती है ना तो? उतनी ही तकलीफ हमें भी हो रही है। अब क्या करें और ड्रामा करें और रोएं धोएं, आपको नाटक करके दिखाएं तब आपको यकीन होगा। प्लीज प्लीज बैठ जाइए। जी दिखाइए। हमारा रिश्ता हमारे लिए समझना और समझाना दोनों मुश्किल है, चाहे फिर वो ड्यूटी का हो, दोस्ती का हो, सीनियर जूनियर का हो, इस बात पर हमें बिल्कुल डाउट नहीं, क्योंकि चोट किसी एक को लगती है पर दर्द हमेशा दोनों को होता है। हम ना मैडम सर, हम आपको कुछ होने ही नहीं देंगे, हम हैं आपके साथ खड़े हैं बिल्कुल। हाँ, I'm proud of you and I'm very sorry, dil se. क्या नवाब साहब, आप भी यहाँ आने के लिए आपको किसी की इजाजत लेने की क्या जरूरत है? आ जाइए। बाप रे बाप, इतना प्यार से न्योता मत दीजिए नवाब बुआ को। चुप करो ना, अपना काम करो, जाओ। हाँ, हम तो अपना काम करेंगे ही नवाब, मुंह में दांत नहीं पेट में आत नहीं। जाओ जाओ। वो चीता था, आपको तो पता है ना, वो बकैती करता रहता है। जी जी, आई, खुदा हाफिज। वो हेलो, सुन, तुरंत अंग्रेज गली पहुंच, अभी के अभी। कुछ तो गड़बड़ है, हमें पता लगाना पड़ेगा। जी एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे हटिए, काम है। अरे कहाँ जा रहे हैं? हम भी आ रहे हैं आपके साथ। हमारा हेलमेट कहाँ गया? जब तुमसे हिसाब मांगता हूँ तुम रोने क्यों लगती हो? अबे पैसे दे पहले। दो पैसे। बस। रुके रुके, हम भी आ रहे हैं आपके साथ। एक मिनट एक मिनट, आप कहाँ आ रही है हमारे साथ? जहाँ आप जा रही है। हम झंडू में जा रहे हैं, चलेंगे हमारे साथ?
देखिए ऐसा है कि हमको बहुत जरूरी काम है, हम आपको साथ नहीं ले जा सकते, हमारे साथ मत लदिए आप, जाके थाना संभाली जाइए। फोन किसका था? आपसे मतलब? किसका फोन था? अरे मैडम जब पूछ रहे तो बता दीजिए ना। हम आओ। देखिए ऐसा है ना पुष्पा जी, देखिए सास का सास गिरी झाड़ने का जरूरत नहीं है, समझिए आप, जूनियर है, जूनियर की जूनी में रहिए, जाइए जाके थाना संभालिए आप, जाइए। थाना? ये चीता है ना, थाना संभाल लेगा। चलिए एक मिनट, आप नहीं आ सकती, हम नहीं लेके जाएंगे आपको अपने साथ। तो फिर आप जा भी नहीं सकेंगे। कुछ बर्दाश्त नहीं है मुझे, अतमा जी सटक ली। वाह माँ कम थी बेटा भी आ गया यहाँ पर। करे भूतनाथ इधर आओ, अरे आओ इधर आओ, इधर सबके बीच में आकर था अपने मुंह से गोबर फेंको, ये क्या हरकत था? कहाँ थे तुम? हाँ इन्होंने हमको कॉल किया था, इससे हमको बोला कि बहुत बड़ा पिक्चर मिल गया, लाइफ बदलने वाला है बिल्लू का एकदम। हाँ तो तुमको ऑडिशन के लिए पहुँचना ना वहाँ पे। करिश्मा मैडम जैसा बोल रही है, हाँ में हाँ मिलाता जा, नहीं तो तेरा एक्टिंग करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर देगी। किया था ना तुमने कॉल? किए थे, फोन किए थे, बम सौ गुंडों के अगेंस्ट, मैं ओनली वन सिंगल। क्या चलो ना फिर जल्दी, लेट हो जाओगे तुम, चलो बैठो जल्दी। हाँ अट्टा मजी सटकली, जल्दी चलिए ऑडिशन पे। बात की सास है आप? करिश्मा मैडम आपके झूठ के चक्कर में ये सिंगल सिंगल ही चला जाएगा, माँ मुझे सिंगल ही भेज देगी, अब ये माँ माँ नहीं रहेगी, खूनी माँ हो जाएगी, माँ बचाओ मुझे। ए बाबरे व्हाट हैपेंड? उतरो। ओके थैंक यू सो मच। कहाँ 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 वहाँ कहाँ जा रहे हो? थाने जा रहे हैं। थाना नहीं जाना है? फिर जब हम तुमको सिग्नल देंगे ना तब तुमको कहीं और जाना है, तब तक यहीं खड़े रहोगे। ओ माय गॉड ये ट्रांसपेरेंट ट्रैफिक पुलिस, चुपचाप यहाँ खड़े रहो समझे। अगर थाने में किसी को कुछ बताया कि हम कहीं गए हैं तो तुम बचोगे नहीं, खड़े रहो। सिंगल सिंगल अच्छा ना, ये दो दो टोपा लेकर क्या करेंगे? टोपा करुणा को कोई उठा कर ले गया है, वो गायब है। हम जानते हैं ये किसका काम है, ये मैडम सर का काम है, मैडम सर ने करुणा को लॉकअप में डाल दिया है और इस काम में उसका साथ तुमने दिया, क्योंकि हमारे अलावा सिर्फ तुम जानती थी कि हमने करुणा को कहां कैद करके रखा है। याद है कि भूल गई? कौन सी जगह छुपा दी उनको? हाँ शहर के बाहर एक गाँव है झांसीपुर विलेज, उस बस्ती के पीछे एक कोठी है बसंत कुछ, बस वहीं पे छुपा कर रखा है उसे। कहां हम चिंगारी गैंग और इन लोगों के बीच में फूट डालने का सोच रहे हैं और कहां यहां बाजी ही उल्टा पड़ गया है, ये लोग तो हम पर ही शक कर रहे हैं, क्या करें हम, क्या करें? क्या ये सच है करिश्मा सिंह, क्या तूने मदद की हसीना मलिक की? सच बात है, हसीना मलिक ने किसी की मदद तो ली है, हमारी नहीं किसी और की। किससे? इससे, तुम्हारी डंबल क्वीन, इसने मदद की है मैडम सर की करुणा को वहां से निकालने में। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा, ये बोले जा रही है? ये इसका कोई नया पहतरा है शिवानी हमें बेवकूफ बनाने के लिए, तुम अच्छी तरह जानती हो बिन्नी ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती। अरे बिन्नी पे हमें उतना ही यकीन है जितना हम खुद पे, मर जाएगी लेकिन हमसे बाहर नहीं जाएगी, वो हसीना मलिक की मदद नहीं कर सकती शिवानी। सही में नहीं लेकिन अनजाने में ही उससे से ही मदद हुई है, उसी ने ही मैडम सर की मदद की है करुणा को वहां से निकालने में। तेरा कहने का मतलब क्या है, साफ साफ क्यों नहीं बताती है? वो जगह, वो बसंतपुर का कोठी जहाँ पे करुणा कैद है, वहाँ की सिक्योरिटी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किसका था? तुम्हारा ही था ना, इतना कच्चा इंतजाम था कि कोई बच्चा अपनी कटी पतंग को ढूंढने आएगा ना तो आराम से वहां आएगा और आराम से वहां से चला जाएगा अपनी कटी पतंग को लेकर। ऐसे टोपा लोगों को सुरक्षा का इंतजाम दे रखा था तो यही होगा ना, वो प्रेमी परिंदे, वो भी कैसे ऐसे आसानी से फुर हो गए थे वहां से, रंगरेज गली की सिक्योरिटी को चकमा देकर। अरे दूल्हे मियां कहां गए? अभी मैं वॉशरूम गई तब तो यही थे। बिन्नी को बोल ज्योति को तैयार कर लूं, उसे ऐसे जाना है।
सैताई ज्योति भी ना है कमरे में। तो ये तो हसीना मलिक है भैया, होनहार पुलिस वाली। उसके लिए करुणा को इतने कच्चे इंतजाम से ले जाने में कितना देर लगता? जो सुरक्षा व्यवस्था है ना, जो इतनी कच्ची थी, उसके वजह से करुणा वहां से गायब हुई है। उसी ने ही मदद की है हसीना मलिक की इनडायरेक्टली, तुम्हारी बिन्नी। मैं कहती हूँ बकवास बंद कर। आवाज नीचे। हमारा हाथ और हमारा जबान तुमसे भी तेज चलता है। यकीन नहीं होता तो एक बार और तेज आवाज निकालो। जिंदगी भर खुद का आवाज सुनने को तरस जाओगी, फिर सिर्फ इशारों में ही कहती फिरोगी। दरोगा जी देखे तो बहुत, मगर तुमसा ना देखा। तू भी अपनी आवाज नीचे कर, समझी? यो बिन्नी भी कोई कम ना है, समझ रही है कि नहीं? तुझे क्या लगता है अपनी बातों में ऐसे घुमाएगी मुझे तू? अम्मा तुमको क्या लगता है कि तुम इतना तेज आवाज में बात करोगी, इतना चिल्ला के बात करोगी तो क्या सारा ठीकरा हमारे सर पे फोड़ दोगी? हाँ, कमी तुम्हारे सुरक्षा व्यवस्था में है, हमारे पे नाम मत डालो उसका। तुमसे गलती हुआ है, हमसे नहीं, समझी? ए! अगर यो बात है ना तो निकल के दिखा हमारे फंदे से। मान लूंगी तू जो कह रही है ना वो सच कह रही है, और मंजूर है? चाय दे जल्दी फटाफट, डुबो दूं चाय में और खाऊंगा। अरे बिल्लू, अरे मैडम, मैडम सर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम इस तरह नकली वर्दी पहनकर मार्केट में घूम रहे हो, शर्म आती है तुम्हें? तुम्हारा भूत नहीं उतरा अभी तक? चलो बैठो, हम तुमको थाने छोड़ देते हैं, हम वहीं जा रहे हैं। चलो थाने? करिश्मा मैडम ने मुझे थाने जाने से मना किया है। नहीं बाबा, बाबा ऑडिशन, ऑडिशन के लिए जाना है, 100 गुंडों के अगेंस्ट मैं अकेला सिंगल। कहाँ है तुम्हारा ये स्टूडियो जहाँ ऑडिशन होने वाला है? चलो वहीं छोड़ देते हैं। छोड़ देंगे पापा? क्या देख रहे हो, बैठो। ओके, आई हैव नो ऑप्शन। गलती से भी करिश्मा मैडम के बारे में पूछ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इससे पहले कि ये करिश्मा मैडम के बारे में पूछे, मैं ही इनको इधर उधर की बातों में लगा लेता हूँ। Nice car. I like your car. Means this is a government car, but I like because मैं जिस ऑडिशन के लिए जा रहा हूँ उस फिल्म में मुझे कार ही चलानी है। अच्छा, रेसर का रोल है? ड्राइवर का, सेठ की गाड़ी चलाता हूँ, सेठ हमारे। Oh. Yeah, but very important role in this film. Yeah? Yeah. मतलब जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो मीट में ये जो ड्राइवर है वही हीरो बन जाता है, और अपना जो सेट है उसकी जान ये बचाता है। विलन से? कुत्ते से। जैसे ही कुत्ता आता है तो ये ऐसे कुत्ता चिल्ला के भाग जाता है और मेरी सेट की मैं जान बचाता हूँ। लेकिन कहानी में यही पे ट्विस्ट है, ये जो कुत्ता है ये आम कुत्ता नहीं है, इसका जो बाप कुत्ता है इसको हमारे सेठ ने बहुत पहले ही ठोक दिया था गाड़ी से। तो ये जो बेटा कुत्ता है बाप कुत्ते का बदला लेने के लिए आया है, तो ये अपने इंतकाम की ज्वाला में जल रहा है बेटा कुत्ता बाप कुत्ते का बदला लेने के लिए। तो अभी ये कुत्ता, बेटा कुत्ता जो है वो आएगा और अपने सेठ जो हमारे सेठ है उनको काटेगा, और फिल्म का नाम भी यही है, काट डालूंगा। थैंक गॉड। हाँ पुष्पा जी, कहिए। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद, बताइए। आप थाने ही आ रहे हैं ना? हाँ, हमें बिल्लू रास्ते में मिल गया था, हम उसे छोड़कर ऑडिशन के लिए पर थाने ही आ रहे हैं। बिल्लू? बिल्लू आपके पास है? मगर बिल्लू तो करिश्मा जी के साथ था। क्या बिल्लू करिश्मा सिंह तुम्हारे साथ थे? ठीक, अभी नहीं है। वो हमें भी दिख रहा है, अब कहाँ है? चढ़ गई। कहाँ? घर। किसके घर? अपनी, मतलब वो हमें छोड़ने वाली थी ऑडिशन के लिए, लेकिन बीच रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई तो वो घर चली गई। अच्छा, अभी अब पता नहीं कौन सा नया पंगा ले बैठी है। मैडम सर, पुष्पा जी रिलैक्स, हम एक काम करते हैं, हम अभी आपके घर जाते हैं, देखते हैं करिश्मा सिंह की तबीयत कैसी है, और अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो हम संभाल लेंगे, ठीक है? आप टेंशन मत लीजिए। जी मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। नहीं, मतलब घर जाकर देखने जैसी उनकी हालत इतनी खराब नहीं है, मतलब बस थोड़ी सी अच्छी
इतनी सी छींक आई बस। और उन्होंने मुझे खास करके बताया है कि किसी को बताना मत कि मैं बीमार हूँ, अगर बता दिया तो मैं तुम्हारी तबीयत खराब कर दूंगी, और ये भी कहा ICU में भेज दूंगी। ऐसे कहा है, प्लीज ट्रस्ट मी, मतलब बस थोड़ी सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो तसल्ली। बंद करो ये बचपना। शिवानी तू रोकती क्यों नहीं इन्हें? ठीक ही तो है ना ताई, साबित तो हो जाए कि इसकी बातों में कितना दम है। क्या वाकई में हसीना मलिक ने करुणा को गायब किया है या वाकई हमारे सुरक्षा में कोई कमी रह गई? या फिर ये किसी की मिली भगत है? ये चैलेंज देखने में मुझे बड़ा मजा आएगा। अब देखो हम क्या करते हैं।